सबको गुड मॉर्निंग। यह आज का जो हम आज पहली बार ये मैं क्लियरफाई करने जा रहा है, यहाँ में जो आया हुआ बैठा वाला किरण रिजिजू का सपोर्टर तपोर मोइंग और रिजिजू का खास वाकर लोग यहाँ में आया हुआ है, और रोबिनसन मोइंग साहब भी आया हुआ है, तादर इक्के भी आया हुआ है, और हम लोग का कालुंग का डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन भी यहाँ आया हुआ है। मैं आज ये क्लियरफाई करना चाहता हूँ, आप लोग अच्छा से सुनिए। हम पहले बार आज मेरा जीरो का एमएलए का जो काम किया वाला को मोरिजू साहब को अभी मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। 20 जून को हम खबर मिला है रिजिजू साहब इंटरनेशनल योगा डे में जीरो पे आ रहा है, तो वो सुनने का साथ साथ हम रिजिजू को, क्योंकि हम लोग 15 इयर्स रिजिजू का सपोर्टर लोग, क्योंकि हम तो रिजिजू का आगे से सपोर्ट था, इतना दूर एंड दूर सपोर्ट किया है, तो आज तक हम रिजिजू को पर्सनल मिला ही नहीं। तो मेरा व्यू जो, मेरा सोच जो ऐसा था कि हम रिजिजू का अगेंस्ट जाना है, तो हम सुपुन दुकू का और जो व्हाट्सएप में रिजिजू का अगेंस्ट में हम लिखा था, हम रिजिजू के लिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। क्योंकि हम क्यों बॉयकॉट कर रहे बोलने से हम अपातानी को वही बता रहा है कि रिजिजू हम लोग के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। तो इसीलिए मैं पीपीए का जिला परिषद हूँ, मैं रिजिजू का अगेंस्ट में ऑलरेडी हम मैसेज में लिखा था, तो हम लिखने का साथ साथ में हम फिर सोशल मीडिया में देखा है तो हम लोग का TSD आंसू आया आवाज़ सब लोग 21 जून को रिजिजू जब आएगा हम लोग बॉयकॉट करेगा बोल के उन लोग अनाउंसमेंट किया था, आप लोग भी सुना होगा। तो एक्चुअली उसमें बॉयकॉट में जीरो का यूथ मेरा हाबुंग भाई आपे लोग जो इनिशिएट करके जो बॉयकॉट किया है, उस समय में तकी तकी का घर में 30% हम लोग का जिला परिषद कॉलेज भी 30% जैसा आया होगा, 70% तो नहीं आया है, लेकिन तके तकी ने ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि अभी मेरा अपतानी भाई भाई लोग अच्छा से सुनिए, हम लोग का जीरो का हित के लिए हम रिजिजू का अगेंस्ट में किया था, ताकि साहब अपना खुद बेनिफिट के लिए रिजिजू को हम लोग का जो दुख तकलीफ को मैसेज नहीं पहुंचा के दूसरा अगेंस्ट में एलिगेशन लगा के न्यातों दुकुन सर और पुपा सरीन सर को ऑल जीरो का जिला परिषद लोग आके हम लोग का MLA बोला है बोल के रिजिजू का पास में जाके पुपा सरिंग और या तो दुकुम सर सुबुलेंतो को लगा के ये बॉयकॉट करने दिया है, ऐसा रिजिजू को बताया है। तो रिजिजू या तो दुकुम सर और पुपा सरिंग सर को दिल्ली में बुला के दोनों को बोला है, आप दोनों मेरा अगेंस्ट में क्यों ऐसा किया है? तो क्यों दोनों तो बोला ही नहीं, पोपा सरिंग कहाँ में या तो दुकुम कहाँ में, उस समय में तो हम लोग मालूम ही नहीं था। तो तकी साहब किसी लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट का अपना MLA पोपा सरिंग और या तो दुकुम तो आगे से हमको जब हम जिला परिषद लड़ते समय में भी तकी साहब को लेंदो को टिकट दे दो वो अनकंटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि BJP में हम ज्वाइन करने देगा। इतना सीरियसली रिजिजू साहब के लिए जो काम करने वाला को मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहा है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहा है? पोपा सरिंग रिजिजू को इतना अच्छा खासा मैंने उसको तारीफ कर रहा है, उसको क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहा है? वो इसीलिए उसको क्लियरफाई करना चाहता हूँ। आप पता नहीं लोग, आप सुनिए, अभी जिला परिषद लोग को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग अगर सच में तकी साहब का साथ में जाके बोला है तो, और तकी साहब आप अगर सही है तो आप 1 वीक का अंदर में उसको क्लियरफाई कीजिए, आप जिला परिषद सबको बुलाइए, बुला के आप मीडिया में जो जो रिजिजू का अगेंस्ट में बोला था
जो न्यातो दुकुम और पुपा सरिंगसार का को एलिगेशन लगाया है उसको क्लियरफाई करने दे दीजिए, तब तो आपको मानेगा कि ताकि साहब सही है। तो अपना बेनिफिट के लिए क्यों हम लोग आपातानी को बेच रहा है? अपना बेनिफिट के लिए तो आपातानी का जो दुख तकलीफ को पहुंचाना चाहिए था, तो अपना बेनिफिट के लिए क्यों किसी का दोस्त को तोड़ना तोड़ दे रहा है? किस मैंने पुपा सरिंग और न्यातो दुकुम और किरण रिजिजू साहब का आज तक देखिए 15 ईयर्स में रिजिजू साहब यहाँ में पैकेज भी दिया था भी होगा और नहीं भी दिया होगा। हम अभी सोच रहे हैं कि रिजिजू साहब जो जिन्होंने पैकेज दिया भी होगा, हम लोग को आज तक हम लोग का एमएलए साहब नहीं बताया कि रिजिजू साहब यहाँ में पैकेज दिया है। आज भी हम लोग क्योंकि अभी भी हम रिजिजू का अगेंस्ट में है, अभी इलेक्शन सामने आ रहे हैं और आपका रिजिजू का सपोर्टर लोग भी हम क्लियरफाई कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो सीरियसली रिजिजू का सपोर्टर है, क्योंकि अभी तक हम रिजिजू का अगेंस्ट है। हम लोग रिजिजू को एक बार सबूत सिखाना है, जीरो में लेसन देना है। हम आपातानी इतना प्यार दिया था आपको, आपने क्या दिया हम लोग को? और मैं तकी साहब को वही बोलना चाहता हूँ, हम लोग आपातानी हित के लिए आप काम करना था, आपको हम लोग लीडर बनाया आपातानी हित के लिए काम करने के लिए, आपको आपातानी का अगेंस्ट में बोलने के लिए हम लोग लीडर नहीं बने हैं। हम ऐसा लीडर को चाहिए भी नहीं और आगे बनेगा भी नहीं वो, क्योंकि आप क्लियरफाई कीजिए। मैं एक्चुअली आज मेरा जो टॉपिक को तोरा सा बढ़ा के मैं बता देता हूँ, जूत पे जूत यह मीडिया में तो अब कभी हम आया ही नहीं। पास स्टार्टिंग में जब हमको टिकट नहीं दिया है, ये हम लोग का डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बैठा हुआ है, हम ऑलरेडी अनकंटेस्ट था, बीजेपी में ज्वाइन करो बोला हमको, ताकि सब खुद बुलाए हम टिकट देगा। 90% कालू ब्लेज का बूरी से लेके बूरी बुरा तक ताकि का घर में गए, चलो हम लोग को टिकट दे दो, होगा ओके हम लोग को ज्वाइन करो बोला, हम लोग 80% पूरा ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट दिन में बुलाया हमको टिकट नहीं देगा, फिर भी हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है और आज तक हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया भी नहीं है। हम लोग का CM साहब पेमा खांडू साहब जो अच्छा चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो क्यों हम गवर्नमेंट का PPA होते हुए हमको BJP में ज्वाइन कराना नहीं चाहता है? एक माँ बाप तो चुनना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम मेरा PPA में हम अभी तक PPA में हम BJP में जाएगा ही नहीं। अगर BJP लेना नहीं चाहता तो हम क्यों जाएगा? और ये हमका टिकट का धोखा। नेक्स्ट में अभी हम लोग का गोल्डन जुबली आया था, सब मिनिस्टर MLA लोग भी अभी मेरा मीडिया को सुन के आप लोग सोचेगा होगा, हम लोग को 5 करोड़ दिया था गवर्नमेंट, पेमा खांडू साहब 5 करोड़ दे के हमको क्या बोला है, हम एज PPA का जिला परिषद हूँ, MLA लोग को आप डिनर खिलाइए, हम कैबिनेट मिनिस्टर लोग को डिनर खिलाएगा। मेरा जिला परिषद कॉलेज को बोला है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट में हम लोग 5 करोड़ आया वाला से हम एडजस्टमेंट कर देगा। तो 22 MLA आया था मेरा घर में, मेरा MP साहब तपीर गाँव भी आया था और बालो राजा साहब लोग भी आया था, टपुक टपू आया था, सब मैंने 22 MLA मैंने MP साहब भी आया था। इसमें हम डिनर खिलाए, डिनर खिलाने का साथ साथ क्या किया हमको, कोई 1 रुपया नहीं दिए, हम एज PPA का जिला परिषद बन के सब BJP का MLA को हम डिनर खिलाया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट पेमा खानू 5 करोड़ दिया है, उससे हमको 1 रुपया नहीं दिया। बिल सबमिट करो बोला सबमिट कर दिया, DC ऑफिस में गया तो पैसा खत्म हो गया, वो 5 करोड़ कहाँ चला गया? ऐसा लीडर को आप लोग को आज हम बताया है और आपातानी फ्लेटू को वही मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, हम अगर गलत बोला है तो आप लोग DC ऑफिस में जाके चेक कर सकता है लेंदो को बिल दिया है कि नहीं दिया। अभी तक मेरा बिल भरा हुआ है 12 लैक्स, इसको अभी मैं पेमा खांडू साहब को भी बता दे रहा हूँ और मैं रिजिजू साहब को भी यही मैसेज देना चाहूँगा, आप अगर जीरो के लिए काम किया है तो क्यों नहीं आया जीरो में? क्यों आपका सपोर्ट में मेरा MLA साहब और रिजिजू साहब हमको ये पैकेज दे क्यों नहीं बताया? आज आपको अपना बेनिफिट के लिए आपको चुकली लगा रहा है, दूसरा को चुकली लगा दे रहा है, वो किस लिए? ऐसा कैंडिडेट को अगर आप लोग प्यार करके टिकट देता है तो आप लोग गलत हो जाएगा।
अगर रिजिजू साहब आप जीरो को चेंस लाना है तो आप जूत मारने वाला लीडर को आप शहीद कीजिए, तब आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन आप आज तक कुछ भी नहीं दिया है, डिलिमिटेशन में भी साथ नहीं दिया है, तो आप दिया भी होगा, हम लोग को एमएलए साहब आज तक कुछ भी नहीं बताया। और एमएलए साहब का जो जहाँ जहाँ में फंक्शन में जाके जब स्पीच मार रहा हूँ आपका सपोर्ट में आवाज़ निकलता है, तो आप सुनिए, कलेक्ट कीजिए, कब कब रिजिजू का इतना पैसा दिया है, इतना दिया है, और इतना ताटी पोटी करोड़ पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, एमएलए का खुद का स्कीम है, तो आपका तो कुछ यहाँ में तो कुछ भी है ही नहीं, कभी जीरो के लिए कुछ किया ही नहीं, और जीरो आपको क्यों वो हम लोग वोट मारेगा। और अभी भी हम रिजिजू का अगेंस्ट में है, और रिजिजू का सपोर्टर लोग को वही मैं मैसेज देना चाहूँगा, और न्यातो दुकुम और पुपा सरिंग जो आपका पार्टी है, हम ऑलरेडी पीपी है, और ताकि साहब को अगर ताकि साहब अगर सही आदमी है तो अगर हम झूठ बोल रहा है तो वन वीक में जब जिला परिषद को रिजिजू का सामने में खड़ा होके चलो लेंतो ने ऐसा बोला था और पुपा सरिंग ने ऐसा बोला था या तो दुकुम ने ऐसा बोला था, क्लियरफाई कीजिए, तो असलियत निकल जाएगा। अगर झूठ पे झूठ बोलेगा, अभी असलियत झूठ तो निकल गया, बहुत अच्छा आदमी सोच के आदमी को पसंद मारता है, तकी साहब बहुत अच्छा आदमी है। अभी तकी साहब का जूत को अभी हम अपतन प्लेटू को बताया है, और रिजिजू का जो अभी सपोर्टर लोग को बताया है, आप लोग भी रिजिजू को बताए कि जीरो में कितना तकलीफ है। इलेक्शन में ऐसा बोलेगा रिजिजू मेरा आप तो जीरो में जीतेगा, बोल भी दिया होगा, कभी नहीं जीतेगा, हम ऐसा करते नहीं जीतेगा, कुछ करके अपना अच्छा किया वाला को आप जीरो में आके बताइए, जीरो के लिए क्या किया है, आज तक काम तो देखा ही नहीं दिया। परसों आपका एमपी लेट का आया वाला 1 लाख 2 लाख वो तो 5-10 लाख के आया हुआ है, इसको तो देखा है, मेरा जगह में भी दिया है, हम बहुत खुश है, मेरा बड़ा भाई को दिया है, तो ऐसा करके आप दिया भी होगा, अगर जीरो के लिए काम किए तो आप बताइए। और मैं लास्टली वही सबको हमें क्लियरफाई कर दिया, तो रिजिजू का सपोर्टर को भी वही मैं मैसेज देना चाहूँगी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, क्योंकि हम लोग अभी जीरो के हित के लिए काम किया है, और जीरो का हित के लिए हम लोग रिजिजू का अगेंस्ट में किया है, और बॉयकॉट भी किया था, लेकिन बॉयकॉट में हम कुछ भी पार्टिसिपेट भी नहीं किया है जब हम ईटानगर में था। और जो भाई लोग अभी बॉयकॉट में ताकि जो अभी बोला है मेरा ऊपर में एलिगेशन लगाया है, जो जितना भी जिला परिषद और जो मेरा यूथ लोग बॉयकॉट किया वाला यूथ लोग, अगर आप लोग मेरा अभी का क्लियरफिकेशन को सुन के क्लियरफाई जो किया है उसको सुन के आप लोग भी ना रिजिजू का अगेंस्ट में बोल सकता है, ना हम लोग का मिनिस्टर कैसा किया है उसको बोल सकता है, क्योंकि हम तो क्लियरली अभी बोला है कि हम लोग का लीडर को चेंज करना है। अगर दोबारा गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ में किया ताकि साहब को आप लोग को गलत हो जाएगा, क्योंकि इसलिए रिजिजू साहब भी आप अभी दिल्ली में बैठो कहीं में भी बैठो आप बैठ के ताकि साहब जूत मार रहे ना हम जूत मार रहे अच्छे से सुनिए, वो मेरा जो बोला वाला एक भी गलत होने से हमको फिर क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल जो सुबह लें तो जिसे रहेगा कि ये जो आप लोग ने जब बॉयकॉट किया था किरण रिजिजू जी सर को, तो वो तो बीता हुआ 2 महीना हो गया, तो आप लोग को इतना टाइम क्यों लगा इसको क्लियरिफिकेशन आज ही करना है बोल के? एक्चुअली वो जो टाइम लगा एक्चुअली ऐसा था, ताकि साहब ने जो 1 महीना जाने के बाद बता दिया होगा, क्योंकि रिजिजू को जब तक सब दिल्ली चला गया दिल्ली में बताया होगा कि जो पुपा सरिंग सर और न्यातो दुकुम सर का अगेंस्ट में जो ये दोनों लगा के स्पॉन्सर करके लेंटो को बॉयकॉट कराने दिया है, दोनों का हमको बताया वाला अभी 1 वीक लगभग 2 वीक जैसा हुआ है, तो हम दोनों को बोला हम क्लियरफाई करेगा, तो एक्चुअली ऐसा है कि क्लियरफाई करने के लिए अभी देखिए रिजिजू का सपोर्टर लुक आया हुआ है, क्योंकि मैं क्लियरफाई क्यों कर रहा है बोले जी न्यातो दुकुम सर का भी सपोर्टर है, क्योंकि क्लियरफाई नहीं करने से बात में ये हम अकेला आके बोलेगा तो नहीं तो झूठ बोल रहा होगा ऐसा मैंने बोलो, बात में भी देखो अभी ताकि साहब क्लियरफाई करेगा, ताकि साहब को भी इसलिए हम बोला है आप पूरा जिला परिषद का अगेंस्ट में भी बोला है, तो अब जिला परिषद को सबको लेके क्लियरफाई कर दो, तो जिला परिषद लोग सच में बोला है तो ताकि साहब के साथ आके रिजिजू को सुना ये लेंटो ने नहीं किया और पोपाश्री ने नहीं किया है या तो दुकुम ने नहीं किया है, इतना मैंने
अच्छा अभी गवर्नमेंट के इसको पसंद है जरूर दुखूँ, हर हर जगह में जाने से भी रिजिजू को ही तारीफ करते हैं, आपको भी बहुत बार बोलते हैं, नहीं तो आप रिजिजू का अगेंस्ट में करके आपको क्या मिलने वाला है, कौन है के नहीं मैंने आपको अरुणाचल में कि रिजिजू से अच्छा है, हम वही क्या हम आपातनी के हित के लिए बोल रहे हैं, अरुणाचल के लिए किसी के लिए अच्छा भी होता होगा, और इसलिए वो अभी भी वही बोल रहे हैं कि अभी आज हम मीडिया वालों से हम अभी बता दिया मीडिया को तो, और अभी तकी साहब का बताना वही बाकी है, वो इसलिए पहले भी बोला था अगर तक साहब अगर आप नहीं बताता है अपना जूत को छुपा के मत रखिए, आपका जो जितना भी भाषणबाजी में तक साहब जूत नहीं बोलता है, अभी वो सच को अभी बताइए किसने बोला था, तो इसलिए वो बीजेपी पार्टी को तो खराब नहीं बोलेगा, कैंडिडेट खराब है, अगर कैंडिडेट को चांसेस नहीं लगेगा तो बाद में गवर्नमेंट आप लोग कैंडिडेट, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट को चांसेस लाओ बोल के तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जब हम लोग जीरो प्ले तो में जो कैंडिडेट जो ऐसा जूत मारने वाला कैंडिडेट को आप लोग बीजेपी के लिए रख के भी पहने, तो पेमा खान साहब भी सुन लीजिए और मेरा एम पी साहब भी सुन लीजिए, लेकिन ये बहुत इमीडिएट मीडिया को आप लोग भी बता दीजिए डॉक्टर साहब जो क्लियरफाई कीजिए, और या तो नहीं तो जरूरत पड़ने से या तो रुकूँ और पप्पा सिंह के सामने भी बैठ के आप बोल दीजिए जो ही नहीं बोला था, सब जिला परिषद को लेके चला जाइए कौन कौन जिला परिषद बोला है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, असलियत को तब मैंने ताकि साहब किस लिए बोला है, अपना बेनिफिट के लिए क्यों एम पी साहब को मैंने बोलने जाता है, आप पता नहीं कि हित के लिए बोलो, हम लोग दुख तकलीफ को बताओ, आप पता नहीं मैं ऐसा दुख तकलीफ पे आप कुछ भी नहीं दिए, इसलिए बुरी बुरा तक आपको नाराज है, इसको आप सर क्लियरफाई करना पड़ेगा बोल के, वो पैसा देना चाहिए, तो क्यों दूसरा डिस्ट्रिक्ट का एम एल ए लोग को चुकली लगाने के लिए रिजो के पास में जाता है। तो आपने तकी जी को एक हफ्ता का टाइम दिया है, अगर उस दौरान उनका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आता है तो उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस पर? नहीं वो स्टेप मतलब वही हम क्लियरफाई कर दिया, वो नेक्स्ट स्टेप मतलब वो वन वीक में अगर क्लियरफाई नहीं करता है तो, क्योंकि वो तो झूठ ही बोला है, वो सच तो निकलेगा ही नहीं, किसको बुला के वो सच को बताएगा, नहीं बीजेपी वर्कर लोग को बोला के सच को बताएगा ना, जिला परिषद लोग को बुला के सच को बताएगा, उस समय में रिजिजू के पास में जिला परिषद जो 30% जिला परिषद से आया था जीरो से, 70% तो कोई आया ही नहीं, हम भी नहीं आया था, हम तो ऑलरेडी अगेंस्ट में था, हम तो बॉयकॉट किया ही है, और अभी देखिए वन वीक का अंदर में अगर वो नहीं बोलता है तो पता नहीं हम लोग का जो ताकि साहब जितना तक झूठ बोला है वो तो मान लेगा, और रिजिजू साहब अगर इतना मैच्योर पॉलिटिक्स है वो तो वन वीक में अगर ताकि साहब क्लियर नहीं पाए कर तो क्लियर पाए नहीं करेगा तो रिजिजू साहब भी सोचेगा, क्योंकि ताकि साहब झूठ बोला है अपना बेनिफिट के लिए, और आज तक ताकि साहब ने रिजिजू क्या दिया है कभी बताया किसी को, बताया अगर बताया तो आपका जितना भी आप हम लोग का फेस्टिवल में जाता है रिजिजू ये क्या ये क्या आप बता के देखो, आपका तो अभी लाइव टेलीकास्ट तो है ऑलरेडी है रिकॉर्डिंग में है, कभी दिन रिजिजू को तारीफ किया है, आपका रिजिजू को तारीफ किया वाला हम लोग को सुना आपत्तानी के लिए रिजिजू ऐसा किया था ना, पेमा खानों को तारीफ किया वाला सुनाओ, क्यों अपना हित के लिए काम कर रहा है अपना बेनिफिट के लिए, हम लोग का आपत्तानी प्ले तो के लिए कीजिए करना है तो रिजिजू तो ऑल अरुणाचल के लिए करेगा ना, सीएम तो ऑल अरुणाचल के लिए करेगा ना, ताकि तो हम लोग आपत्तानी के हित में जाना है, क्यों हम लोग को अपना फ्रेंड सर्कल को भी तोता पोता कर देता है, उसको क्या मिलेगा, हम दोनों पहले बताया है हम अब तीन जूत को बताया है, अब मीडिया वाला लोग कोई भी बताना चाहता है कि गोल्डन जुबली में एमएलए लोग को अभी सुना ही मिलेगा, लेंतों का पास में एक पीपीए का जेट जिला परिषद के घर में हम लोग खाना खा दिया था, हम कैसा खिलाया है कैसा पिलाया है वो तो मालूम होगा, और गवर्नमेंट तो पेमा खानू साहब तो 5 करोड़ दिया ही था, उससे हमको पैसा कितना दिया आप लोग मीडिया अभी जाके पूछ सकते हैं डीसी ऑफिस में जाके, अभी तो हम डीसी ऑफिस के सामने में है, लेंतों को कितना बिल पेमेंट किया है, और आपत्तानी प्ले तो आप लोग लेंथों को इतना दिया था अभी इंक्वायरी करके अभी आप लोग आंदोलन कर सकते हैं लेंथों का भीड़ कौन कहाँ कौन सा जगह में फरा हुआ है, लेकिन हम कभी सबको पहले से बोलते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलेगा, असलियत तो निकलेगा ही निकलेगा, और मैं अभी रिजिजू का सपोर्टर आया वाला को भी मैंने अच्छा आप लोग तो रिजिजू का सपोर्टर है, लेकिन आप लोग भी अगर समझ सकेगा तो रिजिजू को बताइए जीरो में ऐसा है आपका सेंटीमीटर को लेके, और आप लोग आज एक दो दिन यहाँ में जीरो में तेरी है चांदून कर लीजिए बस्ती बस्ती में जाके रिजिजू का सेंटीमेंट क्या है तो मालूम हो जाएगा, और रिजिजू का दिया वाला कौन सा चीज़ दिया है आप लोग तो मालूम हो जाएगा, एक दो दिन में जीरो में तो 7 किलोमीटर रेंज है इसमें तो एक दिन में कवर कर सकता है। अच्छा
सबसे पहले नमस्कार सारे अरुणाचल प्रदेश को और उसके बाद जीरो वासी को। आप लोग हम यहाँ आने का आप सोच रहे हैं कि ये कोई एक्चुअली पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, पर भी हम क्या करें, जब एक पॉलिटिकल को सपोर्ट करता है तो अभी पॉलिटिक्स ही किया जाता है गिना जाता है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सुबुलेंदो जेट पी एम पी पी ए के उसको धन्यवाद कहता है, क्योंकि आपका ही द्वारा हम आज जो आज का ही समाज को अरुणाचल समाज को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या होता है, मतलब जब एमपी का दायित्व तो क्या है वो हम बताना चाहूँगा कि, और उसके बाद में जो विधायक का जो अपना दायित्व तो क्या उसको मैं बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप मैं सबसे पहले आज के ये सबसे वन सेकेंड ये जीरो जो कि जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको धन्यवाद करते हैं, इनका द्वारा ही कुछ कुछ बात जो क्लियरफिकेशन होगा। जो आज का ये मुद्दा है, मैं किसी विधायक के ऊपर कोई अगेंस्ट नहीं है, मैं किसी पब्लिक के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जो ये एलिगेशन को जो क्लियरफाई किया इसके लिए हम भी धन्यवाद चाहता है, क्योंकि हमने सुना था, हमारा ऐसे सुना था, मैं इनका ही बात आके सुना था कि हमारा MLA 28 एलिया तालिया का नातुदुकुम सर को इसने जब बाइकॉट किया था 21 जून को जब बाइकॉट हुआ था किरण रिजिजू साहब का अगेंस्ट में, तो उसमें प्रभा सिंह साहब भी उसने स्पॉन्सर किया बोला, तो बाद में पूछा ऐसे छानबीन किया तो इनका नाम आया जिला साहब का। मैं इसमें देखा तो जिला साहब बोला कि क्लियरफिकेशन आज दिया है कि उनका कुछ ऐसे मतलब नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम खास करके मेरे जो जीरो वासी को आपातानी कम्युनिटी को ये बताना चाहूँगा कि आपका ये जो जो कंसेप्ट है मतलब गलत भी जा सकता है, इसलिए मेरा इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। पर भी हम मुद्दा में आने का भी ये बात करना रखना चाहूँगा कि आप देखिए से आप जो भी अभी स्कीम आ रहा है सेंट्रल से जो स्कीम आ रहा है आप किरण रिजिजू का द्वारा नहीं होने से या कोई स्कीम नहीं आएगा नंबर वन, और जो स्टेट में जो स्कीम जो पैकेज देता है वो हमारे मुख्यमंत्री आपका जो डायनेमिक लीडर पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में अपना मिनिस्टर MLA को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो डिस्ट्रीब्यूट में आप शायद मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आपको CM साहब से कि आपका जो जो सेंट्रल से जो पैकेज आता है उनको आपका मिनिस्टर को जब आप MLA को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है 60 MLA को जब आप देता है तो आप बताइए कृपया, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जैसे हमारा सेंट्रल स्कीम आप हम बोलते हैं बार बार जो हाईवे का जो अभी स्कीम पैकेज आ रहा है ये पैसा ये सेंट्रल से आ रहा है, ये आप लोग बोलता है कि कोई बोलता है कि मतलब ये हमारा MLA का है, कोई बोलता है कि ये हम स्कीम बनाए, ऐसे नहीं होता है। आपको पता होगा कि स्कीम के लिए आप हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिपेंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा ही काम कर सक पाता है। तो आज तक जो भी हम यहाँ जितना भी काम काज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग का अरुणाचल में डबल इंजन का मीनिंग किया आप लोग समझ जाइए। तो इसलिए मैंने जो जो अभी देखा गया तो किरण रिजिजू साहब का अगेंस्ट में बहुत बात कर, हाँ मानता है किरण रिजिजू सर ने काम नहीं किया होगा, मैं ये भी तो नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा इसी ने होगा। सारा प्रदेश को जब वो पैकेज देता है ये नहीं बोलता है कि हम वेस्टर्न पार्लियामेंट को देगा, ये नहीं बोलता है कि हम ईटानगर को देगा, ये नहीं बोलता है कि हम अपर सुनसरी वासी को देगा, पर्टिकुलर कोई ऐसे नहीं होता है। उनके लिए कौन है, हमारे पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव आपका विधायक है, आपका विधायक ही असेंबली में जाके अपना गवर्नमेंट को पार्ट ये आपका जो स्कीम है और जो पब्लिक का हित में बात करना वो करना चाहिए, वो ऐसे नहीं हो कि मिस गाइड कर रहे आप लोगों, उल्टा अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक को अपना गलत कर रहे तो दूसरा को भी गलत बता रहे, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मेरे किरण रिजिजू साहब ऐसे इंसान नहीं है, आप लोगों को मैं बार बार बताना चाहूँगा कि देखिए एक MP में रह के भी आप एक यूनियन मिनिस्टर चार बार इंडिया का यूनियन मिनिस्टर रहा, वो ऐसा इंसान आप देखिए चार यूनियन मिनिस्टर आप ST में, ये तो हिस्ट्री में आएगा और कल को ये GK में भी लिखा जाएगा, ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि हमारा ST में कोई ऐसे मिनिस्टर नहीं रहा कि चार बार। तो इसलिए किरण रिजिजू का नेतृत्व में ही आप हर चीज़ हो रहा है, तो उसके नेतृत्व में हो रहा है। और दूसरी बात किरण रिजिजू साहब क्या क्या नहीं किया ये मत पूछे, अभी स्टेट में क्या है वो देखिए। सबसे पहले आज से मैं बताना चाहूँगा कि आप 10 साल या 20 जब 15 ईयर्स बैक जाके देखिए, आप रिसेंट 2009 में भी जाके देखिए, 2005 में भी जाके देखिए, हमारा ये जो कि ट्रांस हाईवे तो नहीं था बिल्कुल, और उसके बाद एयरपोर्ट भी नहीं था, और उसके बाद रेलवे भी नहीं था। जो पब्लिक को सुविधा दिया वो सुविधा को देखो, जो कॉमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताना चाहूँगा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है मानते हैं सेंट्रल से दिया, मैं सेंट्रल में देने से भी उसका फाइल का और ये आने का स्कीम का जितना भी उसका जो कामकाज किया किरण रिजिजू साहब भी किया। आप लोग कोई बोलता है, मेरा एक मित्र है उसने कहा था कि हाईवे का जो अभी आ रहा है स्कीम जो ये तो हम लोग का टैक्स है, अरे टैक्स से भरने से भी हमारा अरुणाचल को पहले कौन जानता था, आप सोच के देखिए।
जब हम दिल्ली पे जाते थे कहाँ से पूछते थे, अरुणाचल बोलने से उनको पता नहीं था। हाँ, नियर हमारा जो आसाम को बोलने से पता चलता था कि आसाम को ही उर्ग जाना था। ऐसे हमारा एक पॉलिटिकल लीडर है कि जो हमारा अरुणाचल को एक पहचान आज नेशनल लेवल में दिया गया है, तो इनको भी हम लोग धन्यवाद कहना चाहिए। तो उल्टा ही हम लोग काम एकदम एलिगेशन पर एलिगेशन डालता है। आप लोग देखिए, किरण जी सच में अगर मतलब ही होता तो अरुणाचल के हित के लिए काम नहीं करता, तो वो देखो अगर काम नहीं करता तो अपना लिए सबसे पहले कैपिटल रीजन में एक सबसे बड़ा अच्छा सा बंगला बना लेना। एटलीस्ट अपना ने न्याय सही अपना बेटी बेटा के लिए या मिसेज के लिए अपना फैमिली के लिए बनाना था। अभी उनका अभी तक कैपिटल में घर भी रेसिडेंट भी नहीं है। हम बहुत दुख लगता है इस चीज़ के लिए, तो इसको पब्लिक जानना चाहिए। और लीडर कभी आपको जो पब्लिक का सेक्रीफाइस करने लीडर कभी नहीं बोले कि हम ये किया वो किया, क्योंकि उसका काम को हम बताना चाहिए। क्योंकि एज ए बींग ए इंटेलेक्चुअल और बींग ए युवा, जो अरुणाचल का युवा को होना था, हम ये मैसेज को फैलाना चाहता है। क्योंकि जो इतना समाज में इतना ईमानदार नेता जो कि हमारा लोकसभा का MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किरण रिजिजू सर का नेतृत्व में अभी जो काम हो रहा है इतना अच्छा हो रहा है, तो हम तो दुख भी लगता है उनका। आप पब्लिक लोकसभा का नेतृत्व आप उससे मिलने भी जाके देखिए ना, आप कहाँ में मिलेगा? उसका गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा या उनका अपना जो ससुर बुरा है जुर्म सर का घर उनमें ही मिलेगा, कि उसका अपना रेसिडेंट यहाँ नहीं है। तो कोई लोग बोलता है कि हम दिल्ली पे नहीं जा सकते काफ़ी घर। आप सबसे पहले देखिए दिल्ली पे जो बेटा है हमारा अरुणाचल पे दो ही MP है। आप पता है एक गांव साहब है ईस्टर्न का और वेस्टर्न का हमारा किरण रिजिजू साहब है और राज्यसभा का हमारा नागम विया सर है। तो उसका अपना अपना नेतृत्व अपना अपना काम हो रहा है। मगर किरण रिजिजू जो अभी इंडिया का यूनियन मिनिस्टर है, आपको पता होना चाहिए यूनियन मिनिस्टर अगर स्टेट में ही अगर ध्यान देना ही था तो उसको आप सिंपल MP बना गया रखने से अलग बात। ऐसे तो नहीं है, वो यूनियन मिनिस्टर है पूरा राज्य पूरा हिंदुस्तान के लिए। हाँ, पूरा हिंदुस्तान का सोच विचार में हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हम विकास में ले जाना है, उसका ही वो लोग जो वहाँ पे दिल्ली पे रह के काम कर पाएगा, अरुणाचल पे रह के वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग ही यहाँ से चुना गया कि किरण रिजिजू को कि 2019 में हम लोग जो चुना गया कि उसको दिल्ली में काम कर सके। तो आप सोच के देखिए हमारा जो कि MP 2 MP होके भी बाहर में इतना MP है पर भी वहाँ पे मिनिस्टर ने दिया मगर हमारा किरण रिजिजू को साथ दिया, डेट मीन्स वो कितना डायनेमिक लीडर है आप सोच लीजिए। और बोलता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलता है, असली में सच में ये हमारा जो कि हिंदी में उसे क्या जाता है सूरज का पेरा किरण, जो हमारा किरण रिजिजू सर है, ये आप लोग मालूम होना चाहिए। अगर हम किरण रिजिजू सर को नहीं बनाएगा तो 30-40 साल बैक चला जाएगा। आप कैसे जाएगा बोलने से, जो प्रकृति से जो हिसाब से अभी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं किरण रिजिजू का नेतृत्व में हो रहा है, आपको पता है किरण रिजिजू जी कितना मेहनत कर रहा है स्टेट के लिए। तो हम ये मैं CM साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि आपका जो किरण रिजिजू का नेतृत्व में रिसेंटली भी जो मतलब काम का जितना भी होता है आपका MLA को एटलीस्ट विधायक लोग को आप लोग मतलब उसका नेतृत्व में जो जो स्कीम दिया जाता है जैसे जल जीवन मिशन हो गया आपका PM जितना भी सेंट्रल स्कीम को आप लोग कुछ कुछ मतलब एनोग्रेशन कुछ कुछ मतलब बताना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग ही नहीं बताता है क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट में हैं, पब्लिक तो जानना चाहेगा ना एक्चुअली क्या हुआ है हर जगह में, वो स्कीम को वो काम को क्या बताना चाहिए आप लोग किसका नेतृत्व में हो रहा है। और आप लोगों को मैं और एक बताना चाहूँगा कि अभी जो कि 2024 में एयरटेल टावर एक BJP सरकार का मोदी जी का नेतृत्व में किरण जी ने काम किया कि ऑल अरुणाचल में 254 एयरटेल नेटवर्क लगा रहा है। तो उसमें भी देखो तेजी से जो काम कर रहा है वो किरण जी के नेतृत्व में है। हाँ, और अभी जैसे हमारा चाइना बॉर्डर में जो एयरटेल नेटवर्क नहीं है टावर नहीं है उसको अभी टावर लगा है। हम अभी तक मेरे जितने भी जो राज्य है उसमें अरुणाचल राज्य का जो जो पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सर्कल में भी अभी तक नेटवर्क नहीं आया मतलब उसमें ही किरण जी बहुत फोकस कर रहे हैं। आपके घर पे ही जल जीवन मिशन घर पे ही पानी पहुंचा रहे हैं नल पहुंचा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होगा बताइए। जब पहले सरकार था वो काम किया नहीं किया उसका लीडर को हम अभी एलिगेशन डाल के फायदा नहीं है क्योंकि देट टाइम वो कुछ नहीं किया। अभी जो प्रेजेंट MP साहब काम कर रहे हैं उसको तो करने दीजिए आप लोग एटलीस्ट। आप लोग देखिए ये 2024 में एक बार चुन के देखिए किरण जी सर को क्या करता है नहीं करता। हाँ, उसके बाद तो आप वो काम नहीं करने से आप उसको दूसरा एक सुपरवाइजर किसी को MP बना दीजिए, उसे कोई हम आपत्ति नहीं। मगर हम देख रहे हैं कि 2024 में किरण रिजिजू सर को बनाना जरूरी है। हमारे प्रदेश के लिए इतना सेक्रीफाइस किया और इतना अच्छा काम करके आ रहा आज तक, और उसके ऐसे इंसान को डायनेमिक लीडर को हम लोग नहीं चुने, हम किसको चुनेगा आप लोग भी पता है। और सिंपल आप
एमपी बनके आपको असेंबली में पार्लियामेंट में बैठने से भी उनका आवाज़ सरकार तक नहीं जा पाए। एक ही है हमारा जो जो कि किरण सारी है कि वो असेंबली में भी हम अरुणाचल का हित के लिए काम करता है। इसलिए मैं खास करके अरुणाचल के जितने भी युवा है उनसे अपील करता है कि आप लोग भी आगे आएँ, क्योंकि जो काम काज है उसको भी अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उससे भी क्वेश्चन अरेंज कीजिए। और उसके बाद आपने जैसे रिजिजू साहब को आपने एमपी साहब को यूनियन मिनिस्टर को क्वेश्चन अरेंज करता तो सीएम साहब को भी क्वेश्चन अरेंज कीजिए और विधायक को भी क्वेश्चन अरेंज कीजिए, क्योंकि विधायक ही हमारा ऐसे होता है कि जो हमारा पोस्टमैन की तरह होता है, जो मैसेज जो आप आपका सरकार तक पहुँचा पाएगा। तो अभी एक्चुअली कंस्टिट्यूंसी में जो MLA क्या क्या आपका विकास हुआ वही मालूम है, हम पब्लिक तो कुछ मालूम नहीं, कितना स्कीम आता है कितना पैकेज आता है वो लोग ही पता है। हम जितना भी अगर दो तीन स्कीम बता भी देता है तो उनमें से आई थिंक गलत होने से भी, मगर MLA लोग जो विधायक लोग वो लोग करेक्शन करके पब्लिक को बताने कि ये पैकेज जो हमारा सेंट्रल से आया है किरण रिजिजू का नेतृत्व में, जो MP साहब के नेतृत्व में, बताना चाहिए, क्योंकि ताकि पब्लिक को अंधकार में खोने ना दीजिए। आप भी ऐसे ना कि मतलब इतना भी पॉलिटिक्स ना कीजिए कि अपना बेनिफिट के लिए आप MP साहब को भूल जाए, ऐसे मत कीजिए। आप प्रदेश को पता है कि हमारा सेंट्रल के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे स्टेट को, कि हमारा हम बार बार बोलते हैं हमारा रिसोर्स सोर्स इतना नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्री भी होता है तो हमारा पब्लिक लोग उसको आपका ये जो मिट्टी लैंड डोनर होना ऐसे फ्री में डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो उनका लिए जो कंपनसेशन ग्राउंड होता है इतना हाई होता है कि तो फैक्ट्री वाला भी अफोर्ड करने के लिए मतलब करने से भी पिक्चर दिखाई नहीं देता। आप पहले उसको इन्वेस्टर को तो आने दीजिए, काम करने दीजिए, अगर काम नहीं होता तो उसको आप पास आता ही, आप लोग प्राइवेट कंपनी आने से भी हटा ही देता है। तो इसलिए मैंने और गवर्नमेंट सरकार भी कितना सर्विस देगा, कोई भी कितना गवर्नमेंट जॉब अरेंज कर नहीं सकेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा और डेली वेजेस भी होगा, हर किसी को अपना अपना एक टाइम टेबल में होना पड़ेगा। हर किसी जोर में जॉब करेगा तो अब ये समाज सेवा कौन करेंगे, सब गवर्नमेंट का नेतृत्व होगा। तो हमारा जैसे भी युवा आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट का एगेंस्ट हो या गवर्नमेंट का सपोर्टर हो, जो भी सच को आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौरान हम बताना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। क्योंकि मैं बार बार यहाँ का मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि आप ताकि साहब से भी कहना, आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ताकि किरण जी को सपोर्टर ने आके ऐसे कहा जाए, इसमें कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि विधायक साहब आप सच में काम किया तो हम मतलब पब्लिक को बता दीजिए कि जो जो स्कीम जो किरण रिजिजू का नेतृत्व में सेंट्रल का जो स्कीम आया वो बता दीजिए। और ये स्कीम तो ऐसे बात नहीं कि कल को मालूम ही हो जाएगा कौन कितना है स्कीम दे है, कौन कितना दे, तो ये तो पूरा अपना सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कुछ भी चीज़ छुपने का जगह नहीं है। और हम ये नहीं बोल रहे कि ताकि सब खराब है, हाँ किसी विधायक को ला, हम वो सपोर्ट में नहीं बोल रहे। अब ये भी समझ जाना कि हम जो भी किरण रिजिजू के हित में जो बायकॉट हुआ था हम भी दुख इसमें दुख लगा था, कि आज देखा तो जीरो इतना विकास पे है, हर एक गांव पे CC कैमरा पोते से मैंने देखा, और सबसे पहले मैंने सड़क को देखा, वहाँ ईटानगर से यहाँ पहुँचने के लिए हमको 2 घंटा लगा, पहले जब आता था 6 घंटा या मुश्किल से 5 घंटा लगता था, तो उसमें बाइकल भी जो गाड़ी भी बहुत ख़राब होता था, मगर अभी भी गाड़ी थोड़ा इतना स्मूथली आया आप पुतिन पहुँचने का। हाँ होश का जो रास्ता थोड़ा ख़राब है उसको मैं बताना चाहूँगा कि देखो हम लोग आप सबसे पहले ज्योग्राफी आप अरुणाचल को देख लें, हिल एरिया है, आप जितना भी हाईवे अच्छा बनाओ वो लैंडस्लाइड कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो गई, क्योंकि हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि अभी एक्चुअली मौसम क्या होगा नहीं हो, क्योंकि आपका जो अभी इनपुट जो अभी ये रोड का जितना भी अच्छा बनाने से भी हिल एरिया में लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है। इसलिए आप लोग पब्लिक भी इसको मान के चलो, अरुणाचल सरकार अच्छा काम कर रहा है करने में, मगर ये है कि जो कंट्रेक्टर से भी अपील है कि मैंने जो ट्रांस हाईवे काम करो जल्द से जल्द कीजिए, ताकि हमारे पब्लिक को सुविधा हो। सच में जो डबल इंजन का सरकार है काम कर रहा है ये लगे। और आप लोग को भी अपील है कि आप एक रास्ता खराब होने से आपका यहाँ पे विधायक बेटा है आप उसको कंप्लेन कीजिए, सीधा MP साहब को कंप्लेन ना कीजिए। मैं बहुत दुख लगता हूँ क्योंकि वो एज ए यूनियन मिनिस्टर है, आप लोग को बार बार बोलता है अगर ड्रेन का प्रॉब्लम है तो आप ड्रेन का प्रॉब्लम को आपका म्युनिसिपल पार्टी है या विधायक आप उसको कंप्लेन कीजिए। आप दारा हित करता है यूनियन मिनिस्टर कहा गया, यूनियन मिनिस्टर अगर ड्रेन ही नाला संभालना पड़ेगा तो उसका तो वेल्युबल टाइम को उसका मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर पोस्ट को तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोग सोच लीजिए, और इसलिए हर किसी का अपना अपना एक डिपार्टमेंट बनाए, तो आप उस विषय में RWD को पकड़िए, म्युनिसिपल पार्टी या PWD को, मैं जो हाईवे का प्रोजेक्ट कर आप उसको बोलिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि रिसेंटली जो ईटानगर का भी जो जो
लैंडस्लाइड पकड़ा हुआ तो उसमें दुख लगा कि जो हमारा कंट्रेक्टर लोग काम तो किया सही से, मगर उसमें ड्रेन को क्लियरफाई नहीं करते। ड्रेन किस प्रकार से, जब लेंच जब बरसात होगा तो पानी कहाँ जाएगा, पानी जाने का जगह नहीं आ रहा, सड़क पे तो आएगा, तो उसको भी सही से बना दीजिए ताकि वो कुछ कुछ अगर आप लोग का एक गलती का वजह से, एक कमी गति का वजह से सीधा जाता है MP का पास रिपोर्ट, अब क्या करें। MP का तो ये नहीं है ना आप लोग को डायरेक्शन देते रहे, डायरेक्शन देने वाला इधर आपका मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री देगा अपना विधायक डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट फिर विधायक लोग को उसको जो लोग अवतर करना है क्या करना है उसका ड्यूटी है, उसका दायित्व बनता है, वो अपना ड्यूटी सही से निभाएं। तब तो अगर हर कोई अपना ड्यूटी सही से निभाने से, डिपार्टमेंट से लेकर पब्लिक से लेकर कॉन्ट्रेक्टर से लेकर, तो कुछ कमी गति नहीं है अरुणाचल में। आज अरुणाचल बहुत प्रगति बहुत विकास में जाने का और आगे जा सकते हैं, मगर 2024 में जैसे भी करके आप किरण रिजिजू सर को आप लोग बनाइए उम्मीदवार, आप जैसे भी लोकसभा इलेक्शन में किरण रिजिजू सर को वोटिंग कीजिए। मेरा यही अपील करता हूँ पूरे सारे पब्लिक से, आपसे ये अपील कर बार बार अपील कर रहा है कि हाथ जोड़ के आप जैसे भी करके किरण रिजिजू सर को दोबारा आप MP बनाइए। और आप लोग ने कहा था कि बार बार हम कैसे देगा, ऐसे नहीं है, 15 साल जब रहा था डेट टाइम, वो 5 साल जब रहा था वो कांग्रेस सरकार थे, अभी उसका BJP सरकार के नेतृत्व में वो जो स्कीम लाया, जो काम किया, वो देखिए आप दिखा दीजिए यहाँ पे चिता क्लोज है, दिखा देने से पता चलता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, जो आप ईटानगर से आए हैं, जो BJP के जो सपोर्टर हैं उनसे क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग का कहना ये है कि हमारे ज़ीरो के बहुत सारे पब्लिक का कहना ये है कि जो किरण रिजिजू की तरफ से हमारे ज़ीरो में कुछ भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं आया या कोई स्कीम नहीं आया, तो इस पर आपको क्या लगता है कि डायरेक्टली यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे MLA श्री ताकि जी है उनका कुछ फॉल्ट है इस पर? सबसे पहले धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी लगा था ये क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम भी चाहते हैं। सबसे मैं बता दूं कि मैं जो ईटानगर से टीम आया है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, नंबर 1, क्योंकि हम लोग जस्ट एक अरुणाचल का एक युवा होने नाते, क्योंकि अरुणाचल के विकास के लिए सोचता है, क्योंकि हमारा प्रदेश विकास होगा तो हम होगा और मेरा आने वाला पीढ़ी होगा तो उसके लिए सोचता है। और आपको पता होगा कि आज का युवा कल का नेता, तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो अच्छा नहीं बोल पाएगा, तो जो गलत को गलत है सही को सही नहीं बोल पाने से ये मेरा बहुत बड़ा वो हो जाएगा, पोल हो जाए मतलब गलत हो जाएगा। तो आप देखिए, आपने जैसे पूछा, मैंने अभी देखो जीरो में क्या हुआ है नहीं हुआ है, सबसे पहले आपको बताएगा सरकार में कौन है, आपको पता है आपका विधायक है, आप विधायक से क्वेश्चन एरेस्ट कीजिए ना, हमसे तो पहले विधायक है ना, नहीं तो हमको ही आकर विधायक बना दीजिए तो जो क्या है नहीं हम कर देगा, मगर ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। हम हो गया 23rd तालिया का कंस्टिट्यूंसी का है, तो हम वहाँ पर जो भी करेंगे वहाँ पर करेंगे, मगर हमको ये लगा कि किरण साहब ने सारा अरुणाचल के लिए विकास किया, इवन नॉट जीरो को हम सिर्फ लोअर सबेंसरी को नहीं बोले कि हम विकास नहीं। अब सबसे पहले विकास से सबसे पहले आप देखिए ना, जिस प्रकार से पहले जीरो क्या था आज से 10 साल पहले ना, अभी क्या है वो देखिए, उसको विकास नहीं बोले, हम क्या को विकास बोले। और हमसे बेहतर तो आपका मिनिस्टर साहब खुद यहाँ का आपका विधायक है वही बताए भाई, अब ये क्वेश्चन हमको पूछने बेहतर, उससे पहले पूछे सच में किरण सर दिया कि नहीं दिया, अगर उन्हें दिया तो फिर देखता है हमारा जो MP साहब है वो क्या बोलता है, क्योंकि जितना गवर्नमेंट से रिलेटेड पे जो जो कामकाज है आपका उसका खुद प्रदेश में मुख्यमंत्री कांदू साहब रहा है, पेमा कांदू साहब है, इतना डायनामिक लीडर, वो मिनिस्टर चुने तो कहीं ना कहीं अपना जो सरकार का हित के लिए चुना होगा, तो वो लोग ही बता पाएगा कि एक्चुअली किरण साहब ने क्या दिया नहीं दिया और विधायक ने क्या क्या नहीं किया, वो लोग ही बता पाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में हम आपको इतना ही बता पाऊँगे कि हम इसमें जो आप देख रहे हैं जीरो को और हम पहले देखता था बहुत चेंजेस आए, तो इसको अच्छी तरह से अगर आप डिटेल में आप जानना चाहेगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको विधायक से ही पूछ लीजिए। तो जैसे कि आप बोला कि यहाँ जीरो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन यहाँ के पब्लिक के माइंड में ये रहता है कि जो CCTV कैमरा का बात आपने किया था, कि डेवलपमेंट का बात किया था, ये इनका जो दिमाग में ये कि अपना बस्ती का जो ये जिला परिषद मेंबर्स है उन लोग के द्वारा ये CCTV कैमरा लगाए जब यहाँ पर क्राइम बढ़ने लग गया, तो अभी तक तो किसी का मुँह से नहीं सुना कि ये स्कीम जो CCTV कैमरा का स्कीम है वो हमारे MP के द्वारा यहाँ आया या CM के द्वारा आया या किसी के द्वारा आया यहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए। और जो डेवलपमेंट का बात है, अभी तक हमारे MLA के द्वारा भी ये नहीं कहा कि जो ये रोड का स्कीम है या कुछ भी स्कीम यहाँ पे अभी तक आया है वो किरण रिजिजू की तरफ से आया है या हमारे पेमा खांडू की तरफ से आया है, तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि उनका नाम हमारे जीरो में आता ही नहीं है। अच्छा, जो डेवलपमेंट का बात, जो ये अभी यहाँ का 13 BJP का जो जिला परिषद मेंबर है उनमें से 14 में से आपका ये आपका जिला सभा बेटा PPA का, देखो ये सब फंडिंग कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं,
सरकार का जो पैसा है, फंड है, वो सेंट्रल से आता है। हाँ, कहीं ना कहीं स्कीम जो लगाए स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड लिया होगा वो ना कहीं सेंट्रल से तो आया होगा। ये तो किसी का पॉकेट से चलो दिया भी होगा वॉलंटरी, मगर उसको यहाँ का विधायक ने कैसे एग्जस्ट किया? क्योंकि सबसे पहले अपना हम तो ये लगा कि मतलब बीजेपी का एक नारा है, अच्छा लगा कि नेशन फर्स्ट उसके बाद पार्टी सेकेंड। तो उसी तरह उसने कहीं ना कहीं कोई पार्टी का लोग भी काम किया होगा शायद, आप तो पता नहीं कोई अपना पर्सनल पॉकेट से भी दिया उसको, तो हम एकदम श्योर से नहीं बोल सकेगा। मगर जब ऐसे ही कॉमन कोर्स का जब बात आता है तो ये तो कहीं ना कहीं स्कीम ही होता है। बिना स्कीम में आपको एक डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ गांव गांव में सीसी कैमरा फुटेज नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है ये सीसी कैमरा फुटेज ना। तो इसमें कहीं ना कहीं विधायक को अपना या पैकेज से भी दिया हो कहीं से भी दिया हुआ, मगर ये तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नेतृत्व में होगा, आपका बीजेपी सरकार का नेतृत्व, पब्लिक ये समझना पड़ेगा। एज ए यूथ, जैसे कि आपने कहा कि आज आप लोग हैं तो विकास भी जल्दी आप लोग ही बढ़ाएंगे, तो एज ए यूथ बहुत सारे ऐसे जो अभी बस्ती है फिलहाल जहाँ तक अभी तक नेटवर्क भी नहीं पहुँचा, रास्ता भी नहीं पहुँचा, तो वो सबको आपको क्या लगता है कब तक डेवलप होगा? क्योंकि अगर उनको अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया गया तो अगर 24 में भी हम किरण रिजिजू या CM को, वही CM को बीजेपी को अगर वापस लाएंगे तो क्या भरोसा है कि वो बस्ती में फिर से विकास देखने को मिलेगा? थैंक यू, ये क्वेश्चन बोलिए, अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए अभी आप जैसे कहे गांव गांव में सबसे पहले हमारा जब पहले जब पिछले सरकार थे वो क्या कहने की आप लोगों को पता है। अभी जो जो कि मोदी जी के नेतृत्व में प्राण ये PMJSY का जो काम हो चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है हर एक गांव में, हाँ हर एक गांव में, जिस जो गांव में पहले आप कम से कम एक दिन पैदल जाता था, दो दिन जाता था, आज वो गाँव में रोड कटिंग हो रहा है, हाँ, जो कि PMJSY का ये स्कीम का द्वारा, ये भी सेंट्रल स्कीम है। मैं पब्लिक को ये समझना पड़ेगा ये सेंट्रल स्कीम जो ये यहाँ से जो प्रपोजल देता है, जो सेंट्रल स्कीम जो देता है वो किरण जी का नेतृत्व में हो रहा है। किरण जी वो फाइल को जाके पुटअप करता है, वो एक डॉक्यूमेंट का तरह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, और कोई भी स्कीम ऐसे नहीं दिया जाता, उसके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है। उसको आप देखिए गाँव गाँव में अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया, जो पहले पिछले आज से 10-15 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम थे। जो आज के डेट में तो आप देखिए गांव-गांव में जो अभी एयरटेल नेटवर्क टावर पहुंचेगा तो अभी जो बैठ के वो हम लोग को ट्रोल कर रहा है, मैंने सो के ये करना वो करना, अच्छा चीज़ है। आप भी अगर मीडिया में आके बोलिए कि मेरा गांव में ये पहुंच गया, मेरा गांव में ये नहीं है, आप आवाज़ उठाएंगे तो अपना सरकार काम करेंगे। तो आप सो के बैठते हैं तो सरकार कैसे काम करेंगे? अभी तो आप युवा है, अब युवा सिर्फ हम आप ड्रग्स में, दारू में, हाँ, जुआबाजी में घूमते रहने से नहीं होगा ना। आप जैसे अपना प्रदेश को विकास चाहने से पहले सबसे पहले आप गांव के ओर ध्यान दीजिए, गांव में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हम कैपिटल में बैठ के या कहीं में बैठ के हल्ला करने से नहीं, आप गांव में देखिए। मैंने गांव भी देखा क्योंकि मैं अपने गाँव से मतलब पता है मेरे को, जब हम वोटिंग के लिए जाता था काफ़ी तकलीफ था, पर भी आज BJP का जो डबल इंजन बोलता है सच में काम कर रहा है। तो इसको काम करने के लिए आप सोचिए, मोदी जी कब आया? 2014 को इलेक्ट हुआ तो स्कीम का अभी सेंक्शन हुआ, इतना तेज़ी से विकास हुआ। हम तो ये बार बार क्यों एग्जांपल देता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा काम कि आपका डबल में एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और पब्लिक इसको समझना पड़ेगा। अगर पब्लिक घर में जब बिजली पहले नहीं था तब तो हल्ला नहीं किया, अभी लाइट आया तो लाइट क्यों कटता है? आप पता है लैंड स्लाइड वगैरह होता है हमारा, क्योंकि अरुणाचल ही ले रहा है, कहीं ना कहीं पोस्ट गिर जाता है। तो उसका ड्यूटी कौन है? पावर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आप बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा था विधायक को बोलना, सीधा आप MP को टारगेट लेता है, रिजिज साहब आप कीजिए, चलो भी ठीक है आप बोल देते हैं, मगर आप भी तो आवाज़ उतारना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर कितना डिपेंडिंग रहेगा? हम सरकार के ऊपर डिपेंडिंग नहीं रह सकते, हम कुछ से सेल्फ होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जो लोकल पर वोकल बोलता है, किस लिए बोलता है, हाँ, और ये चीज़ को भी तो मान के चलना पड़ेगा ना। आप पहले ही कुछ नहीं करके सिर्फ हमको मीडिया में, आज देखो मीडिया में ट्रोल करेगा, हम भले जितना भी अच्छा समाज के हित के लिए बात करो और बोलेगा कि ये पैसा का है, ये फिर स्पॉन्सर किया हमको बोलेगा, किरण साहब ने फिर इनसे स्पॉन्सर किया या दुकुम साहब ने स्पॉन्सर किया, ऐसे बोलेगा, या लिंदो साहब ने, ऐसे कुछ नहीं है भाई। आप कुछ भी काम करना चाहता है अरुणाचल का हित के लिए, आप सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छा काम करेगा तो कहीं ना कहीं बुराई भी साथ में चलेगी। इसलिए हम वही चाहते हैं कि अरुणाचल का जनता और अरुणाचल का युवा लोग जागी है, मेरा यही मैसेज है।
तो बहुत सारे जो हमारे अरुणाचल में अनएम्प्लॉयज लोग हैं, जो यूथ है जो अभी बेकार बैठ रहे हैं, वो लोग का कहना है कि इतना पढ़ा लिखा हो के भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के दौरान उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, तो उसके ऊपर एज ए यूथ आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो ये कहना चाहूँगा, देखो गवर्नमेंट आपको, सरकार आपको एजेंसी बनाए, हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए एजेंसी बनाए, वो लोग अफ्तर करना है। इसमें आप देखिए, अभी जैसे प्यास्को हो गया, ये इशू के बारे हम जब कराया जाता है तो या कुछ भी इशू के बारे में बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि देखिए जो आपका वो जो ब्यूरोक्रेटिक को जो रखा गया ऑफिसर को, हाँ ऑफिसर को जो रखा गया, वही घोटाला निकल गया तो इसमें सरकार का क्या दोष है? वो तो उसका चैम्बर में जाके पायल पुतल नहीं करेगा ना, उसका पियोन करेगा, उसका LDC UDC करेगा। हाँ सरकार का काम है कि उसको कौन सा ऑफिसर करप्शन है उसको सजा दे रहा है, सजा भी दे रहा है काफ़ी तेज़ी से, मगर ये है कि हम लोग का पब्लिक का मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि सरकार कुछ नहीं कर, सरकार कर रहा है, मगर सरकार करने से भी वो अपना गवर्नमेंट लेवल से करेगा, जिसे हम पब्लिक लोग करता है ऐसे नहीं कर, क्योंकि हर एक का सिस्टम होता है। हाँ कमिश्नर बताना क्या बताना वो उसका बात है, मैंने अभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का बात रात छह रहा तो अच्छा बात है, क्योंकि देखो आप अनएम्प्लॉयमेंट इतना आपको पता है, और हमारे अरुणाचल में भी तो डेली वेजेस वाला इतना है, वो भी तो काम कर रहा है, और पढ़ के लिख के आप ये नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस ही आपका लाइफ है, आप कुछ भी कर सकता है। जैसे लाइक आजकल देखिए, अब जब से हमारा नेटवर्क वगैरह ठीक हुआ, 4G से 5G आया, तो हम लोग 23rd सेंचुरी में जी रहे हैं। इसमें अगर आप कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार को दोष मत दीजिए। पहले का बात कुछ और था, जब 2000 समय का नेटवर्क ही नेता लैंडलाइन समय का बात होने, तब हम एडमिट, हाँ तब तो हम उस डेट टाइम में आप सोच के भी देखिए, जब सारा को काटता था तो हम खुद पब्लिक लोग ही वर्किंग करता था, जब 1970 में उस समय को JCP वगैरह पोलैंड नहीं था, अपना ये जो भी होता जम्पल से लेके कुलर पौरवा से लेके सब, अभी तो वो नहीं है ना, 23rd सेंचुरी आ गया, आपका पोलैंड आ गया, आपका JCP आ गया, और इतना काम तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कुछ कुछ का एक समय होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्विस में घुस रहे हैं, आप अगर एक टेम्पो टेकर भी चलाता है, ये वास जॉब, ये भी जॉब है, इसमें भी आप जी सकते हैं। हाँ ये नहीं कि आप सब्ज़ी बेच रहे हैं, हम बहुत गरीब है, सब्ज़ी में भी अच्छा बिजनेस है, अगर आप अच्छा से आप जो कि खेती बाड़ी करेगा तो अच्छा फल निकलेगा, तो मार्केट में एक्सपोर्ट होगा, तो पब्लिक की नहीं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, आप सेल्फ डिपेंडिंग होना पड़ेगा। आप सरकार के ऊपर कितना डिपेंडिंग करें, सरकार तो जितना हो सके उसका हर साल देखिए, आप देखिए अभी का जो रिसेंटली ये जो कि पुलिस का जो अभी रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, हाँ ये शायद आई थिंक सितंबर और अक्टूबर में भी हो रहा है, मतलब भर्ती जो, ये भी देखो सरकार का नेतृत्व में हो रहा है, सरकार जितना चाहे मतलब जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, मगर आप ये भी तो जानना पड़ेगा कि आज ये साल में अभी सबसे पहले हम लोग का आदमी अभी ये साल में 10 लाख है, तो अरुणाचल 12 लाख है, तो कल को 14-15 लाख हो जाएगा, साल साल बढ़ते जाएगा, जिससे इंसान आगे बढ़ते जाएगा। तो ये नहीं कि खाली हम लोग सिर्फ अरुणाचल का लड़का ही जॉब ST मिलना है, नॉन ST भी यहाँ पार्टिसिपेट करता है, वो अच्छा एजुकेशन लेके आता है, अच्छा सोच विचार लेके आना है, तो वो यहाँ पे अच्छा अच्छा पोस्ट में रहता है, तो वो अपना मेहनत के ऊपर भी है। हम ग्रेजुएशन किया है, ये नहीं कि हम पूरा दुनिया को जीत लें, ऐसे नहीं, आप उससे पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो इंटरव्यू को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। अब ये आप मान लीजिए अभी मास्टर किया, BCom किया, हम अभी सिंपल सा आप मान लीजिए अभी हम एक स्वीपर का हो गया, म्यूनिसिपल ने जैसा भी निकला सर्विस, तो कहीं ना कहीं कचरा साफ करना है, तो वो तो नहीं करेगा ना, क्या हम इतना पढ़े क्यों इतना, एक ईगोनेस को सबसे पहले अपना दिल और दिमाग से हटाना पड़ेगा। अब जो भी काम होता है चौथा बराने होता है, हाँ जो भी होता है दिल से करना है, लगन से करना है, वो इंसान जरूर कामयाब होगा। हर कोई माँ का पैसे करोड़पति बन के नहीं आते, वो अपना मेहनत के ऊपर डिपेंड है, और सबसे पहले आपका दिल और दिमाग को साफ कीजिए, आपको दुनिया अच्छा लगे, आपका दिल दिमाग में कोत होगा, चाहे कोई भी सरकार आए कोई भी आए कोत, उसमें कभी सक्सेस नहीं होगा, यही कहना है। थैंक यू।